उज़्मा मेरी बहन की आज ज़रा तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, और रुबीना भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरियत से है। तो रात का टाइम है, ये लोग आए हैं अभी दावत पर से, और किन की दावत है कोई इस वीडियो में है। अहमद भाई वगैरह सब साथ थे, और ये जो सिस्टर हैं हमारी, इनके चैनल का नाम है सरवत जहां। ये एक मुल्तान की बड़ी फेमस शख्सियत है और एक सोशल वर्कर भी हैं, और ये अपने चैनल पर जो लोगों के मसाइल हैं, कोई किसी किस्म के मसाइल हैं, रिश्तों की बंदिश है या कोई भी ऐसे रूहानी मसाइल हैं, उनके मुतल्लिक कुछ वजीफे भी बताती हैं। जो भी उनसे कोई डिस्कशन कोई इस किस्म की करता है तो उनके मुतल्लिक कुरान से कोई वजीफा बताती है, तो लोग वो पढ़ते हैं और उनसे मुस्तफीद होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है उसे, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। दूसरा, सोशल वर्कर होने के साथ साथ लोगों की हेल्प करती हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प की भी है उन्होंने। काफ़ी मुल्तान की काफ़ी बड़ी शख्सियत है, फेमस है मुल्तान सिटी में। तो आप लोग से गुजारिश है कि इनके चैनल पर जाएं, और ये जो चैनल बनाने का मकसद था इनका, ये उन लोगों की भलाई के लिए ही बना है इन्होंने, वरना इन चैनल की किसी भी ऐसी इनकम की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो में नज़र ही आ जाएगा, जो उनका घर है, जो उनका रहन सहन है, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा और हाई फाई है। हाँ जी, माशाल्लाह से अच्छे खाते पीते घर से वो बिलोंग करती हैं, और सियासी सरगर्मियों में भी शामिल रहती हैं। सरवत जहां सिस्टर तो गरीब बहन भाई जितने भी हैं सबकी वो हेल्प भी करती हैं। तो उनका मकसद जो है चैनल बनाने का वो यही है कि उनसे कुछ लोग मुस्तफीद हो सके, उनसे किसी का कोई फायदा हो जाए, और उनके दिल से इनके लिए दुआ निकले, उनके लिए पता नहीं किसकी दुआ हमारी मगफरत का जरिया बन जाए। बेशक, तो जिस मकसद के लिए उन्होंने ये चैनल बनाया है वो मैंने आपके सामने पेश किया है। तो बकाया वीडियो आप इनकी जो है मुकम्मल वॉच कीजिएगा, और इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी मसाइल है तो उनसे चैनल पर ही कमेंट्स में आप उसका जवाब ले सकते हैं। हाँ जी, अगर किसी ने उनका नंबर जो भी कोई चाहते हैं मुझसे मांगना, जो अपने मसाइल का हल करवाना चाहते हैं, तो मैं सिस्टर से पूछ कर, वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उन्हें नंबर सिस्टर का भी दे सकती हूँ। हाँ जी, लेकिन वो उनसे पूछने के बाद, हाँ जी, उनसे पूछने के बाद होगा। बेहतर यही होगा कि आपका कोई भी मसला है, कोई मसाइल है, तो उनको कमेंट्स में उनको हाईलाइट करें कि हमारा इस किस्म का मसला है, तो सिस्टर इसमें हमारी कोई हेल्प करें। तो वो इंशाल्लाह लाजमी, या तो उसका रूहानी होगा, या जैसे भी वो करना चाहे, ठीक है, वो आपके साथ लाजमी कोऑपरेट करेंगे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी सिस्टर है, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। तो जी सब बहन भाइयों, वीडियो देखिए, तारीफ के काबिल होते हैं, हम लोग तारीफ उन्हीं की करते हैं, हमें कोई किसी से प्रमोशन या कोई पैसे वगैरह तो चाहिए नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुझ पर, अपना रोजगार है मेरा। तो मैं आप सबसे एक दफा फिर ये हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इनके चैनल पर जाएं और इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा वॉच करें। हाँ जी, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक भी इनका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक मौजूद है, तो काइंडली इसको प्लीज लाजमी वॉच कीजिएगा। थैंक यू सब बहन भाइयों का। क्या हाल है सुबह भाभी, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत खुशी हुई है आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अल्लाह का शुक्र है जिसे आप सुनाए। ये क्या तकलीफ की है? नहीं नहीं खाली नहीं आया जाता ना, खाली नहीं, आपका अपना घर ये तो तकलीफ वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आपको ऐसी तरक्कियां दे, कामयाबियां दे, बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपकी मोहब्बत के हम मशहूर हैं। नहीं नहीं, आप लोग खुद बहुत अच्छे हैं और मुल्तान में तो आप हमारे मेहमान हैं ना फिर। जी बिल्कुल। चलो बेबो तो हर पैसे भी नहीं देता। चलो अल्लाह पाक खुश रखे। चलो रोए नहीं चलो बाप, चलो चलो सही। इस्लामुद्दीन भी आ गया जी, इस्लामुद्दीन आ गए। इस्लामुद्दीन कैसे लग रहे हो आप? और सिस्टर कैसी हैं? माशाल्लाह। सिस्टर को आपने सलाम किया है? सलाम तो करो। ठीक है आप? तो जी सिस्टर ने खाना लगा दिया है, तो ये देखें इन्होंने बस तकल्लुफ किया है, इनकी मोहब्बत है। तो खाना लग चुका है, अभी खाना जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं खाने के लिए। सिस्टर आपने भी हमारे साथ बैठ के खाना है, बैठ के खाना है हमारे साथ। तो जिस बहन भाई ने खाना खाना है तो आगे हमारे साथ, जो भी देख रहे हैं सबको इन्वाइट है जी यहाँ पे सब हमारे साथ खाना खाए। बस एक दो ले लेते बस भी तो जी माशाल्लाह मैंने दीजिए दिखाया गार्डन बनाया हुआ छोटा सा और बहुत प्यारा भी ना। अच्छा अच्छा अभी खाना खाने लगी हूँ जी। चल करें शुरू। जी सिस्टर ले लीजिए ना, मैं लेती हूँ। हम ले लेते हैं। नहीं नहीं आप लेना, आप लीजिए प्लीज। अच्छा भाई सिस्टर अल्लाह हाफिज। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो मेरे बहन भाई अब हम घर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज हम घर जाकर करेंगे। वो क्या अक्षय खड़ी है, क्या कर रही है? आ जाओ फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रुबीना? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। क्या तकलीफ की है? नहीं नहीं खाली नहीं आया जाता ना, खाली नहीं, आपका अपना घर है तो तकलीफ वाली बात की है। अस्सलाम वालेकुम। दोनों हाथों की जोड़ी सबा और अहमद दोनों बैठे हुए सुकून से आराम से, बिल्कुल आराम से। ये तकलीफ की आप लोगों ने? बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आपको ऐसी तरक्कियां दे, कामयाबियां दे, बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपकी। भाई जल्दी जल्दी पी ले कोक, जल्दी जल्दी खत्म कर दे, खत्म कर दे जल्दी से जल्दी से। हाँ जी। और ये रस मलाई, और जिस बहन भाई ने आना आए वो इधर कैक्शा, कैक्शा भी खाना खा दिए, कैक्शा अपनी रस मलाई भी ख़त्म कर ले। ठीक हो गया? बस हो गई है, नहीं खानी रस मलाई। चले ये इधर खाना सिस्टर ने माशाल्लाह रेडी कर दिया हुआ है, और डाइनिंग टेबल पर सब बैठ चुके हैं डिनर करने के लिए। मम्मा जा रहे हैं चाय। हाँ जी चाय, अब चाय चाय पीने का टाइम है। हाँ जी। तो हमने कहा जी हम हाँ दो खा निकल के अब हम चाय पिए, चाय पिए। ये दे दीजिए। तो ये सिस्टर ने सारा सामान ही, तो शामी टिक्कियाँ, गुलाब जामुन, बर्फी, चमचम और फ्रूट केक, इधर चाय और नींबू। खाना बहुत कम खाया।
हाँ हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा सा खाया। अहमद भाई ने भी दर्ज के मैं तो आज बड़ा जोर लगा के खाया, बड़ा जोर लगा के खाया। सिस्टर को पता चले कि अहमद भाई आए थे, अहमद भाई आए तो ये जी हमारी प्यारी सिस्टर माशाल्लाह। हाँ जी, तो सिस्टर आप अपने चैनल का नाम भी बता दीजिए हमारे बहन भाइयों को। मेरे चैनल का नाम है सरवत जहाँ चैनल, सरवत जहाँ चैनल। तो जी लिंक आपको आप सब बहन भाइयों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिस्टर वहाँ पर क्या मेरे ख्याल है कुकिंग का काम है? नहीं, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। अच्छा सॉरी, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमें सब कुछ सिखाया जी जी। तो हम ये चाहते हैं, जिस तरह आजकल मैं देख रही हूँ कि खवातीन बहुत ज्यादा परेशान है ना, बहुत ज्यादा परेशान। तो मैं इनको चाहती हूँ कुकिंग भी सिखा रही हूँ, इसमें बेकिंग का भी है, डेकोरेशन भी है, ब्यूटी टिप्स भी हैं, मुफीद मशोरे भी हैं, और इसके अलावा वज़ाइफ से मतलब बहुत सारे इलाज भी हैं। जिस तरह कुछ लोगों के यहाँ बच्चे नहीं हैं या कुछ लोग माशी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उस सिलसिले में भी मैं बहुत से वज़ाइफ बता रही हूँ। माशाल्लाह, तो सिस्टर बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो जी इधर बैठी हैं सबा भाभी और अहमद ये हैं, और अब सबा को सर में दर्द है, वो पेन किलर एक है उसमें रखी हुई है गाड़ी में है, पेन के पेन किलर है या वो पेनाडोल है? वो पेनाडोल है। चलें तो फिर वो खा के चाय, चलें वो खा के फिर चाय पिए, ठीक हो गया। चलें जी, इतना हम चाय पीते हैं और फिर हम सब बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। तो पहले बहन भाई, अब हमारा घर जाने का टाइम आ चुका है, वक्त हमारा पूरा हो गया हुआ है। क्यों अहमद भाई, जितना यहाँ पे नसीब था हमारा टाइम तो वो संभाले पूरा हो गया जी। अब हम सिस्टर से इजाज़त चाह रहे हैं। तो जी अब हम सिस्टर हमें इजाज़त है, अब हम जाएं अपने घर, तो इंशाल्लाह फिर आएंगे इंशाल्लाह। और आपने भी कोशिश करनी है आने की? मैं इंशाल्लाह जरूर, कोशिश नहीं करनी बल्कि बकायदा आपने आना है इंशाल्लाह। तो मैं सिस्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जितना हो सकता है सिस्टर के साथ आपने हेल्प करनी है। तो ये बात नहीं है कि वो किसी मजबूरी के तहत आई हैं, उन्होंने बताया कि वह गरीब बहन भाई जो हैं उनकी जो एक मुस्तहिक अफराद है उनकी वो हेल्प करना चाहती हैं बस। अच्छा भाई सिस्टर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो पहले बहन भाई अब हम घर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह।